बिहेवियरिज्म में रीइन्फोर्समेंट एंड रिवार्ड टर्म्स बार बार यूज़ की जाती है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड टर्म रीइन्फोर्समेंट है, लेकिन रिवार्ड भी उसको पे करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस है। रीइन्फोर्समेंट डायरेक्टली लर्निंग को एनहांस करने के लिए है। इट मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन स्ट्रेंथन होगा ही होगा, वो रीइन्फोर्समेंट होगी। रिवार्ड ज़रूरी नहीं है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन होगा। डेफिनेशन सबसे पहले देख लें कि एक कॉन्सिक्वेंस है दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ए बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। तो ये लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन के कोई बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल एक क्लास में क्वेश्चन का आंसर बच्चा देता है तो उसको टॉफी दी गई है, शाबाश दी गई है उसके लिए, वो नेक्स्ट डे भी पूछेगा, तो इट मींस उसकी आदत बन रही है क्वेश्चन पूछने की या आंसर देने की, जिस पर भी उसको रीइन्फोर्समेंट दी गई है। अब जब टॉफी दी गई है तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस है जो पॉजिटिव है, है ना। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हम रिपीट करते हैं, दैट इज़ वाई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को बी एफ स्किनर या बिहेवियरिज्म ने यूज़ करने के लिए कहा है कि स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर होगा, स्पेसिफिक स्टिमुलस पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर रीइन्फोर्समेंट होगी, ये बात बनती है। जैसे पिजन जो एक पॉइंट को टच करता था तभी उसको ग्रेन का दाना मिलता था, वो रीइन्फोर्समेंट की एग्जांपल है। लेकिन रिवार्ड एक सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, अभी बताता हूँ। जो एकदम इमीडिएट, ये इमीडिएट मिलेगी, अभी जो आपने पिजन ने यहाँ टच किया था ग्रेन का दाना मिल गया, तो ये लंबे समय के थोड़े बाद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक साल बाद, छः महीने बाद आपकी सक्सेस के लिए ये कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो रिवार्ड है। कपिल शर्मा के शो में एक बार बडाली ब्रदर्स आए और उन्होंने ये बताया कि उनके जो बेड था उस पर एक लेटर पड़ा रहा, वो लेटर किसके लिए था, इंडियन गवर्नमेंट की इनविटेशन था, आपको भारत रत्न मिलना है। तो भारत रत्न उन्होंने वो चिट्ठी देखी तक नहीं, अगले साल भी शायद नहीं देखी, दो तीन साल बाद उन्होंने चिट्ठी दोबारा फिर आई, फिर खोली, फिर देखे, भारत रत्न लेके भी आए, जो भी अवार्ड उनको मिला, तो वो रिवार्ड जो उनको उस वक्त मिला उससे उनकी परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थे। उनको कोई ख़ास काम करने के लिए अगर कोई जो ऐसा अवार्ड दिया जाता कि अब जब आप ऐसे बजाओगे तो आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, जब ऐसे बजाओगे तो ये एक चॉकलेट मिलेगी, दिस इज़ रीइन्फोर्समेंट। नेक्स्ट है कि पर्पज़ में डिफरेंस क्या है। रीइन्फोर्समेंट का पर्पज़ स्ट्रेंथन ही करना है, इंक्रीज ही करना है फ्रिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर को, कि बच्चा वो काम बार बार करे, है ना, होमवर्क रोज़ करता रहे, वो किसी की हेल्प करता रहे, उसकी आदत बन जाए। तो दूसरी तरफ जो रिवार्ड है टू प्रोवाइड द पॉजिटिव आउटकम ऑफन एज ए फॉर्म ऑफ एप्रिशिएशन, तो वो भारत रत्न एक एप्रिशिएशन था। आपने सारा साल स्कूल की, मैंने जैसे मॉर्निंग असेंबली या प्ले ग्राउंड में ऐसे काम किया, बीएड में मुझे एप्रिशिएशन के तौर पर मुझे 7-8 ऐसे सर्टिफिकेट मिले, तो वो एप्रिशिएशन है, वो रीइन्फोर्समेंट नहीं है। वो मोटिवेट कर भी सकती है, मोटिवेट नहीं भी कर सकती, न्यूट्रल भी रह सकती है। तो इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर यही है कि ये डायरेक्टली आपके फ्यूचर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी, इंक्रीज करेगी, रिपीट करेगी, और रिवार्ड मे नॉट, क्योंकि जब पहली बार मैंने NSS का कैंप लगाया तो मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी मिली, हाँ उसने एक साल के बाद मिली, तो वो ट्रॉफी ने मुझे मोटिवेट किया, नेक्स्ट में मैंने फिर मेहनत की, मुझे जो बेस्ट वॉलंटियर मिला, चलो फिर कॉलेज कलर मिल गया। कई बार वो काम कर भी सकती है मोटिवेशन का, कई बार नहीं भी कर सकती, नहीं कब करती, जब आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और एग्जांपल है क्लासरूम बिहेवियर की, ए स्टूडेंट गेट्स ए गोल्ड स्टार ईच टाइम दे कंप्लीट देयर होमवर्क, ईच टाइम हर बार, तो यहाँ पर ए स्टूडेंट रिसीव ए ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द टर्म फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अब ऐसे भी समझ ले, रीइन्फोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है। ये क्या है कि कोई काम किया बच्चे ने, होमवर्क किया, तो उसको प्लेयर
कोई स्टिमुलस दिया गया जिससे ये प्लेयर प्लस किया गया, इसलिए ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। यहाँ पर पेन को, किसी पेन को मान लीजिए किसी बच्चे का, मैंने कहा अगर आप ये काम क्लास में कर लोगे तो आपको कम होमवर्क दूंगा, मैंने होमवर्क की पेन को कम कर दिया, ये कम करना भी री इन्फोर्समेंट है क्योंकि कम करने से उसने क्लास का वर्क जल्दी कर लिया। तो इन दोनों कॉन्सिक्वेंसेज में उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन जो है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर है, वो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। तो रिवार्ड दूसरी तरफ सिर्फ पॉजिटिव ही है क्योंकि एप्रिसिएशन है। आइए बच्ची से बात करते हैं, आइए 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 यहाँ। अच्छा, आपको मोबाइल अच्छा लगता है उसके साथ खेलना? थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा क्यों लगता है? हर बार मेरे पास आते हो कि ताऊ जी मोबाइल दे दो। ज़्यादा देखने से आँखें भी खराब होती है। यहाँ बोलो। हम जब ज़्यादा देखेंगे फ़ोन तो हमारी आइज वीक होएगी और हमारा मतलब स्टडी में ज़्यादा फोकस नहीं लगेगा। नहीं, अभी अभी तो आप मांग रहे थे कि मेरे को फ़ोन चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करते हो आप? फ़ोन जब मैं कहता हूँ कि आपको फ़ोन दूंगा तो आप मेरा काम कर देते हो फिर? हाँ कर देती हूँ, आप कहते हो इतने प्यार से तो करना ही पड़ता है। प्यार से कहता हूँ कि फ़ोन को प्राप्त करने के लिए करते हो? प्यार से आप कहते हैं इसीलिए। फ़ोन को प्राप्त करने के लिए नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। फ़ोन नहीं चाहिए आज के बाद? चाहिए चाहिए, थोड़ा थोड़ा, बच्चे का भी मन करता है देखने का। अच्छा, तो जब ये फ़ोन को प्राप्त करना चाहती है, मैंने इसे अभी कहा कि ये फ़ोन लेने आए, मैंने कहा पहले मेरे लिए ये पानी का गिलास लेके आओ, और ये जल्दी से ना वो बना के लेके आए, तब जी स्पेशल ले आऊँ। तो देखिए ये बिहेवियर है, फ़ोन प्राप्त, फ़ोन देना री इन्फोर्समेंट है, और इनका काम करना उसके बदले में वो लर्निंग है। तो आपको क्लास में कभी, लास्ट में कभी, जब किसी बच्चे को ट्रॉफी या वो मिला है प्राइज? मतलब हमें ना क्या होता है कि हमारे अवार्ड मिलता है जिसके मतलब 90 से अवब आए हुए हैं उनको मिलती है ट्रॉफीज लास्ट में, मतलब फिफ्थ में हुआ, सिक्स्थ में जाके मिलेगा थोड़े दिनों तक। जिनके 90 से अवब आते हैं उनको क्या मिलता है? ट्रॉफी। ट्रॉफी मिलती है, तो वो ट्रॉफी होगी रिवार्ड।